लॉकडाउन का असर जहां व्यापारियों और आम जनता पर पड़ रहा है, वहीं अब उसका असर सरकारी विभागों पर भी देखा जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एचआरटीसी कर्मियों को सोलन में अभी तक मई माह का वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें अब बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोलन डिपो में इस समय करीबन 500 कर्मचारी कार्यरत हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी वेतन न मिलने से मानसिक रूप से बेहद ही परेशान है। पहले सभी कर्मियों को वेतन महीने की 2 तारीख तक मिल जाता था, लेकिन आज 10 तारीख हो चुकी है, इनके खातों में वेतन नहीं आया बल्कि आश्वासन रोज मिल रहे हैं। कर्मचारी नेता बालकृष्ण ने दिल का दर्द मीडिया के सामने जाहिर किया और बताया कि वे वेतन न मिलने से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बाकी सभी विभागों को वेतन मिल चुका है, लेकिन अभी तक एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनका घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर कार्य किया, बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को भी हिमाचल में लेकर आए, जिस पर उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया। मैं तो ऐसा है जी, अब आज जो तारीख होगी 10 तारीख और 10 दिन जो हो चुके हमारे पूरे स्टाफ को यहाँ पर आए हुए, और मेन तो यह है कि एक सैलरी नहीं पड़ी अभी तक, गुजारा कैसे करना है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे अनुबंध के आधार पे मतलब जो कई चालक है वो भी गुजारा कर रहे हैं, 7,000 रुपये तो केवल मिलते हैं उनको, वो घर क्या देंगे तो यहाँ का खर्चा कैसे करेंगे। उधार लेके खाना खा रहे सवेरे से लेके शाम तक, मतलब 200-250 रुपये उनका खर्चा आ रहा है, एक बेले हैं। ठीक, अच्छा गाड़ियाँ तो चला रखी है, गाड़ी हमारी मैक्सिमम जितनी भी है खाली भी है, रूटों पे चली भी है, कुछ बंद कर दी है अब गाड़ी, और कई स्टाफ हमारा जो है अब छुट्टी में भी जा चुका है, बाकी तो जो है स्टाफ सारा एक साइड को है नहीं, खर्चे हमारे ज़्यादा हो रहे यहाँ पर, कैसे पूरा करेंगे लोग। सरकार के आदेश हुए ना हमारे को गाड़ी चलाने के लिए, और इस टाइम हमारे सोलन क्षेत्र में तो पहले भी लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मतलब और डिपो से ज़्यादा यहाँ पर हमारे चालक परिचालक मैकेनिकल स्टाफ है जो भी है कार्यरत था, ड्यूटी पे था, और एमरजेंसी ड्यूटी पे भी करी है, कोटा तक राजस्थान तक जाया, चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ करते रहे काम, सबके मतलब अपने अपने होता है खर्चे का भी, घर का परिवार भी चलाना है, परिवार में भी देना है, यहाँ भी देना है, अपना क्वार्टर का खर्चा भी देना है। हमारे तो क्वार्टर मैक्सिमम यहाँ किसी के नहीं है, कम है, ठीक है ना, उन्होंने भी तो खर्चे निकालने हैं। अभी तो मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, अब किसी ने देना भी नहीं तब कैसे करेंगे फिर। अधिकारी से बात चली भी है, उससे भी आश्वासन दे रहे कि आज डाल देंगे कल डाल देंगे, ऐसी स्थिति है। वहीं आरएम सोलन सुरेश दीवान ने कहा कि अभी तक किसी को भी एचआरटीसी में वेतन नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने बसें जब खड़ी थी तब भी सरकार ने कर्मचारियों को वेतन दिया था, लेकिन अब क्यों नहीं, इसकी जानकारी तो प्रदेश सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि उनके अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही वेतन कर्मचारियों को जारी कर दिया जाएगा। इस महीने के सैलरी में दिक्कत आई है ना, जल्दी हेड ऑफिस से डल जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है सर? इसका तो जो सैलरी यहाँ से रिलीज होती है वो बोल सकते हैं। तो अभी किसी की भी नहीं है? अभी नहीं है, अभी नहीं। तो अभी आश्वासन क्या मिला है? आजकल में डल रही है, ऐसा होगा। तो क्या इसका एक वजह जो घाटा है यही कोरोना घाटा है, यही कह सकते हैं कि यही एक वजह है? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। जब 2 महीने से गाड़ियां खड़ी थी तो भी सैलरी दी है सरकार ने, तो अब जो नहीं मिली है तो सरकार ही बता सकती कारण क्या है। बिना काम के भी सैलरी दी है मुलाजिमों को।